तो दोस्तों आज मैं बनाने जा रही हूँ नमकीन जवे, जो ऑलमोस्ट सभी को घर में बहुत ज्यादा पसंद होते हैं। इसके लिए हमें चाहिए सबसे पहले एक बड़े साइज के प्याज, एक टमाटर और एक हरी मिर्ची। बस हम इन्हीं तीन चीजों से इसको तैयार करेंगे। इसमें मैंने डाल दिया है पानी और इसको मैं बॉईल कर रही हूँ माइक्रोवेव के अंदर। तब तक मेरा तड़का गैस पे बनेगा। मैं बनाऊंगी नमकीन जवे विदाउट ऑयल, यानी कि ऑयल फ्री कुकिंग। सबसे पहले मैं डालूंगी इसके अंदर जीरा, रोस्ट करूंगी इसको विदाउट ऑयल। अब जीरा हो गया हल्का सा रोस्ट। अब मैं इसके अंदर डाल देती हूँ अपनी प्याज। ऑयल फ्री कुकिंग का बेनिफिट है और हाई कोलेस्ट्रॉल वाले बंदे के लिए, अगर किसी को भी हाई कोलेस्ट्रॉल और भी ड्राई फ्रीज राइट ज्यादा है उसको ऑयल फ्री खाना ही खाना चाहिए। वो हल्का सा भूनने में चलाते हैं। अब इसी के साथ मैं डाल लूंगी ये टमाटर और हरी मिर्ची। अब इसके अंदर जाएगा मसाले, चुटकी भर हींग, थोड़ा सा हल्दी पाउडर, नमक, और मेन चीज काली मिर्ची पाउडर। अब थोड़ा सा इसको मिक्स कर देंगे। अब क्योंकि इसमें ऑयल नहीं है तो हमें इसको कुक करना है पानी के थ्रू, तो इसमें मैं डालूंगी आधा कप पानी। अगर आपको इसमें लाल मिर्ची पसंद है तो आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं इसमें खाली हरी मिर्ची ही डालूंगी। चलो ढक्कन उतार कर देखते हैं, आप शायद हो गया होगा। और प्याज टमाटर हो गए हैं हमारे सॉफ्ट। अब इसके अंदर डालूंगी मैं एक चम्मच रेड चिली सॉस। इससे नमकीन जौ का जो फ्लेवर है वो बहुत ही डिफरेंट और टेस्टी हो जाता है। इसको पकने देंगे। जब तक ये पक रहा है मैं अपनी बॉइल सिवैया छान लेती हूँ। अब मैं डालूंगी जवे जो बॉइल हो गए हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हमारे नमकीन जवे बनकर हो गए हैं रेडी। अब इसको मैं निकालती हूँ एक प्लेट के अंदर और हो गए हमारे नमकीन जवे रेडी। बहुत ही यम्मी टेस्टी, एक बार जरूर ट्राई करिए विदाउट ऑयल। इसमें मैंने एक बूंद भी ऑयल नहीं डाला है। प्लीज बनाकर खाकर
और शेयर जरूर करना।